In this one, we are going to discuss test your knowledge question number 3. तो इसमें क्या है, कस्टमर जो है वो एंटर हो रहा है इन टू अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में विद द कंपनी के साथ अ शीप ऑनर फॉर द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट. हम क्या बोलते हैं, एक कस्टमर जो है वो एंटर हो रहा है इन टू अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में विद द कंपनी के साथ अ शीप ऑनर फॉर द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप. किसके लिए, फॉर द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप. जो कस्टमर है वो डिसाइड कर रहा है वेदर एंड वॉट कार्गो विल बी, कब ट्रांसपोर्ट होगी, वेन एंड टू विच पोर्ट्स द शिप विल सेल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट. दिस रेस्ट्रिक्शन प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम सेलिंग द शिप इन टू वाटर्स एट अ हाई रिस्क ऑफ पायरेसी और कैरिंग एक्सक्लूसिव मटेरियल. सो ये देर इज अ रिस्ट्रिक्टिव, कुछ रिस्ट्रिक्शन है. देर आर सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. वो क्या है, प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम सेलिंग. हम क्या करेंगे, प्रिवेंट द कंपनी फॉर सेलिंग द शिप इन टू वाटर्स एट अ हाई रिस्क ऑफ पायरेसी और कैरिंग एक्सक्लूसिव मटेरियल. द कंपनी ऑपरेट्स एंड मेंटेन द शिप एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ सेफ पासेज. डज अ कस्टमर हैव द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर वॉट पर्पज द शिप इज टू बी यूज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज एंड वेदर द अरेंजमेंट कंटेन्स अ लीज. तो क्या जो अरेंजमेंट है वेदर द सेम कंटेन्स अ लीज, लीज है या नहीं है. तो द आंसर इज लीज तो है, बस मेयरली प्रोटेक्टिव राइट्स जो है वो लेसर के है. अदरवाइज तो द कस्टमर हैज राइट है उसके पास टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द शिप, बिकॉज जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस है वो मेयरली प्रोटेक्टिंग राइट्स के ही है. तो हम क्या बोलते हैं, द कस्टमर हैज द राइट, कस्टमर के पास राइट है कि कैसे वो डायरेक्ट करेगा द यूज ऑफ शिप, बिकॉज जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस है दैट आर मेयरली फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स दैट प्रोटेक्ट द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन अ शिप एंड इट्स पर्सोनल. इन द स्कोप ऑफ इट्स राइट ऑफ यूज द कस्टमर डिटरमाइन करेगा हाउ हाउ एंड फॉर वॉट पर्पज जो शिप है वो यूज की जाएगी थ्रू आउट द 10 ईयर पीरियड, बिकॉज इट डिसाइड वेदर वेयर एंड वेन द शिप सेल्स एज वेल एज द कार्गो डेट इट विल ट्रांसपोर्ट. तो कस्टमर के पास क्या है, राइट है टू चेंज दिस डिसीजन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज एंड हैंस जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट द सेम कंटेन्स अ लीज है. तो हम क्या बोलते हैं कि जो कस्टमर है उसके पास राइट है कि कैसे वो डायरेक्ट करेगा द यूज ऑफ शिप, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस जो है आर मेयरली फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स दैट द कस्टमर जो है कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन द शिप एंड इट्स पर्सनल इन द स्कोप. तो ये सारा फिर से वैसा ही आ रहा है एंड ऑल. अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो रिस्ट्रिक्शंस है दैट इज़ ओनली मेयरली फॉर द प्रोटेक्टिंग राइट्स, अदरवाइज सारा का सारा जो हम बोल सकते हैं कस्टमर ही डायरेक्ट कर रहा है, देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो द लीज़.